बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार के विरोध में भारतीय मजदूर संघ व सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के द्वारा कठारा क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया गया है। बढ़ती महंगाई और घटते रोजगार के विरोध में भारतीय मजदूर संघ एवं सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के द्वारा कठारा क्षेत्र में एक जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश के संसाधनों पर हमला कर रही है, जिससे मजदूर किसान तो परेशान था ही, इधर लगातार महंगाई बढ़ने से देश की आम जनता भी परेशान है। एक तरफ सरकार ने रोजगार के तमाम मार्गों को बंद कर दिया है, तो दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने से आम जनता के साथ साथ पूरे देश को नुकसान हो रहा है। जब तक यह सरकार महंगाई पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है, तब तक भारतीय मजदूर संघ इस सरकार का सड़क से सदन तक विरोध करेगा। अगर इस पर भी सरकार सचेत नहीं होती है तो भारतीय मजदूर संघ मोदी सरकार के खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहा है। आज का बैठक जो हम लोगों ने किया है, भारतीय मजदूर संघ ने अयोध्या कार्य समिति में तय किया है कि सरकार महंगाई बढ़ाई हुई है, सरकार जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है, मजदूर किसान त्रस्त है। इसी को लेकर हम लोग पूरे भारत में 1 सितंबर से 8 सितंबर तक जनजागरण कार्यक्रम चला रहे हैं, मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में। और उसी कड़ी में आज हम लोग कठारा क्षेत्र के कठारा परियोजना में मजदूरों के बीच जनजागरण अभियान चलाने आए थे और ये बताने आए थे कि इस सरकार के महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं और इसको जब तक लोग वापस नहीं लेता है, केंद्र सरकार इस महंगाई को रोक नहीं लगाता है, तब तक भारतीय मजदूर संघ का अभियान चलता रहेगा। कल जिले में भी कोई प्रदर्शन है? हाँ, हम लोग जिले स्तर पे भी कल भारतीय मजदूर संघ पूरे भारत के जिला इकाई में हम लोग जिला अधिकारी और जिले के उपायुक्त के कार्यालय में एक धरना देंगे और धरना के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे और महंगाई पर तत्काल रोक लगाने की जो अपनी मांग है उस मांग को लेकर हम लोग आगे की रणनीति